वहीं बहराइच जिले में जेल से छूटकर आए एक दबंग ने तीन अन्य के साथ मिलकर चाचा भतीजे पर धारदार औजार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पत्नी के इलाज के लिए कर्ज लेकर आए 15,000 रुपए को दबंग छीन कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला थाना खैरी घाट क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां के बरूही टेपरी गांव निवासी 45 वर्षीय सुमिरन पुत्र तुलसी लखनऊ में रहकर मजदूरी कर रहा था। पत्नी की हालत ज्यादा खराब होने पर वो घर आया। नकहा गाँव स्थित रिश्तेदारों से वो 15,000 रुपए उधार इलाज कराने के लिए लेकर आया था। देर शाम बगल के लोग जबरन उसकी जमीन पर टटिया लगाने लगे। विरोध किए जाने पर आधा दर्जन हमलावरों ने लाठी डंडों और बांका से लैस होकर सुमिरन पर हमला बोल दिया और उसे घायल कर दिया। उसे बचाने दौड़े भतीजे 22 वर्षीय श्रीराम की भी इन लोगों ने खूब पिटाई की, जिससे वो घायल हो गया। हमलावर कर्ज लेकर लाया गया 15,000 रुपए छीन कर धमकाते हुए फरार हो गए। परिजन घायलों को लेकर थाने लाए। पुलिस ने घायलों को CHC भेजा, जहाँ चिकित्सकों ने सुमिरन और श्रीराम की हालत बेहद गंभीर बताई। वहीं हालत गंभीर देखते हुए इन लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी हत्या के मामले में जेल में बंद था, तो जल्द ही वो छूट कर आया है। तुमका तुमने चाचा को मारी सर? सत्रोहन काहे लिए? अरे पैसा चक्कर मार, इनका बचाओ। क्या हुआ था? इनका बचाओ चले, पहले हमका खंडैया रहे, बस इनका भाई गई पैसा छीन ली 15,000, बस इनका मार दिया। काहे लिए मारे? रंजिश क्या रही? नहीं, इनका टटिया चक्कर मारी। क्या हुआ था? टटिया लाग रहे ऊपर नाचे जा रहे। हां ओकर नोचे दे तो हम नहा करे लगे, हम नोचे दौरे, हम भैया ओकर ना नोचो लाग रहा है। वो दौरा हम कमारे लाग, उठे कई उठा लो बाड़ा से, बस दौरा चाचा नहा करे लग उठा गाड़ा से। उसके बाद हमारा कई दे होंगे तो दी से या तो सर वो फिर इधर मारी सर। ओ जेल जेल गया था वो? जेल गया रहा है। किस मामले में? पहले गया रहा है इनके अगनुबार। कौन क्या हुआ था? मार्टिन तो चले गए, अब छूट पाया है तो कभी 4 दिन भैया बस अबे करीन है, बस हम कस कमारे लगे फिर तुमका राखम नहीं थे। तो पैसा भी लेकर गए? हाँ पैसा भी लेकर गए इनसे। हाँ पैसा ले ली। कितना रुपया? 15,000।